नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट नाइन। इसमें आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर की। तो चारुल, सबसे पहली खबर क्या है? बिल्कुल निदा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शाम 7:30 बजे दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती प्रभाव प्रभुत्व रखा गया है। दरअसल दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आज और 18 फरवरी यानी कि कल तक आयोजित होगा। और इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्र में 200 से अधिक बिजनेस लीडर अपनी बात रखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप की ओर से की जाती है। तो चारुल ने बताई आपको पीएम मोदी से जुड़ी अहम खबर। मैं आपको बताऊंगी अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि अगली खबर नॉर्थ ईस्ट राज्य मेघालय से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने मेघालय दौरे के दूसरे दिन दो रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे गारो बांदा के अंबाली खेल मैदान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर 2:30 बजे डालू के बिहार सत्संग मैदान में दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के पहले के पूर्व ही गारो हिल्स में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की स्थापना करेगी। बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और वहीं 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। चलिए, तो निदा ने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य की बात करते हैं, त्रिपुरा की, जहां पर कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। वोटिंग के बीच कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उसके उल्लंघन पर तीनों पार्टियों को नोटिस दिया है। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद ट्वीट के जरिए अपने लिए वोट अपील करने को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। कल संपन्न हुए त्रिपुरा चुनाव में कुल 81% मतदान हुआ। तो त्रिपुरा के बाद अगली खबर मणिपुर से, जहां आज G20 के पहले सत्र की शुरुआत होगी। G20 वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 का संवाद मंच है। आज से शुरू होने वाले सत्र में मुख्यमंत्री नोकथोम्बन ब्रेन सिंह और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधि इम्फाल में श्री श्री गोविंद जी मंदिर, मर्जिंग हिल और लोक तक झील, मोईरांग में आजाद हिंद फौज के स्मारक संगाई और साथ ही साथ आपको बता दें कि इमा महिला बाजार का भी दौरा करेंगे। चलिए, अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट, देश दुनिया में सबसे बड़ी खबर, अडानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की देखरेख में जांच करने की मांग की गई। बता दें कि पहले कोर्ट ने इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में वकील ने बताया कि इस मामले में 2 और याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। और अगली बड़ी खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एमसीडी चुनाव के 2.5 महीने के बाद भी कौन मेयर बनेगा, इस पर टकराव लगातार जारी है, क्योंकि दिल्ली मेयर चुनाव 4 बार टल चुके हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओब्राय ने मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट्स देने के फैसले को चुनौती दी है। चुनाव कराने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 16 फरवरी की तारीख का प्रस्ताव भेजा था। इस पर एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इस तरह पहले 16 फरवरी को ही चुनाव होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई की वजह से ये टल गया। मेयर चुनाव के मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा था कि नामित सदस्य चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। चलिए, दिल्ली के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां पर बीबीसी ऑफिस में 3 दिन से जारी आयकर विभाग का सर्वे खत्म हो गया है।
दिल्ली में 60 घंटे तो वहीं मुंबई में 55 घंटे तक ये सर्वे हुआ है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक ये ऑपरेशन रहा और ये करीब 59 घंटे तक चलने के बाद देर रात 10 बजे खत्म हुआ। बीती रात आयकर विभाग के 6 कर्मचारी मुंबई के कैलिना स्थित बीबीसी ऑफिस से बाहर निकले। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने बीबीसी के कार्यालय से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा भी चेक किया। बीबीसी हिंदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में बीबीसी और दिल्ली में और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग की ओर से जांच पूरी हो गई है। और अब महाराष्ट्र के बाद अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं, जहां सुबह 10 बजे प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया जाएगा। फिर राजभवन में फल और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा दौरे पर रहेंगे। वहीं उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं सीएम योगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यालय में ही महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण भी करने का कार्यक्रम है। अगली खबर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जहां गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का खिलाड़ियों का इसमें सम्मान किया गया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया अभियान से खेलों के प्रति युवाओं में नई जागरूकता जागृत आई है। फिट इंडिया अभियान से इसे और ऊंचाइयां मिली है और इन अभियानों से आज खेल के क्षेत्र में सशक्त और समर्थ भारत की नई तस्वीर दिखती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान का परिणाम है कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में पहले की तुलना में देश के अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और अधिक पदक जीत रहे हैं। और चलिए जल्दी से अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, वहां की खबरों से रूबरू करा देते हैं, जहां आज राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जहां दो निजी बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बजट पेश किया था। इसके बाद पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से बजट पर अपने विचार रखे जा रहे हैं। वहीं कल सीएम अशोक गहलोत ने बजट वाद विवाद पर रिप्लाई भी दिया। बजट भाषण से नाखुश हुए युवाओं, कर्मचारियों और अन्य वर्ग की निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज भी टिकी हुई है। अगली खबर भी राजस्थान से है, जहां आज से जयपुर में 3 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन और राज्य पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से जयपुर में 3 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है सांभर। वहीं इस सांभर महोत्सव में बर्ड वॉचिंग से लेकर स्टार गेजिंग और लोक नृत्य से लेकर दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। राजस्थान सरकार के सांभर उत्सव पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत का दावा है कि अन्य मेले और त्योहार की तरह सांभर उत्सव भी देश विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि हमने दिलचस्प कार्यक्रमों की योजना बनाई है। और राजस्थान के बाद अब खबरों में रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर आज से रायपुर स्टेडियम में 3 दिनों का कार्निवल की शुरुआत होगी और इस कार्निवल में देश के नामी ग्रामी शेफ मिलेट के नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे। यहां एक फूड कोर्ट भी होगा, जहां लोग मिलेट से बने व्यंजनों का जायका ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के इस संयुक्त आयोजन में प्रतिभागियों और बता दें आपको कि सबके साथ मिलकर मिलेट की विशेषताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा चर्चा की जाएगी। चलिए तो अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार की राजनीति में इन दिनों कयासों का दौर चल रहा है। कभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम का पद सौंप सकते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार इन कयासों को ये कहकर विराम लगा देते हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इन सबके बीच 2024 के चुनाव में नीतीश के विपक्ष का चेहरा बनने की बात भी उठती है। नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव को लेकर बयान दिया है। बेगूसराय में समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने साफ किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो पीएम पद की रेस में नहीं है और ना ही उनकी ऐसी कोई इच्छा है। और एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज सवेरे भजनपुरा में एक कारोबारी और उसके बेटे पर फायरिंग की गई। इस दौरान कारोबारी और उसके बेटे को गोली लगी है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
सालों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र और दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल में 3 दिनों तक की फ्री एंट्री रहेगी। मुगल बादशाह शाहजहां की 368वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए ताजमहल को 17 से 19 फरवरी तक सैलानियों की एंट्री फ्री कर दी है। खास बात यह है कि ताजमहल देखने आ रहे सैलानियों को शाहजहां और मुमताज की कब्रें भी देखने को मिलेंगी, जहां आम दिनों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती है। 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे गुस्ल, 18 फरवरी को संदल और मिलाद शरीफ की रस्में मनाई जाएंगी। 19 फरवरी को सुबह से शाम तक कुल और चादर पोशी की रस्में होंगी। इस उर्स के मौके पर शाहजहां के मकबरे पर 1450 मीटर लंबी चादर चढ़ाई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में, अब रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बेंगलुरु दौरे पर जाएंगे। सचिन पायलट कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर सचिन पायलट का बेंगलुरु दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सचिन पायलट ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया था। कांग्रेस ने हिमाचल में शानदार जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव से पहले सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और वहीं उन्होंने राजस्थान में पार्टी आलाकमान से जल्द फैसला लेने की भी बात कही है। अगली खबर गुजरात से है, जहां कांग्रेस नेता अजय माकन आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव कर सकती है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की जगह परेश धानानी को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। दिसंबर 2021 में जगदीश ठाकुर को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में है। सूत्रों ने बताया है कि नए अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पाटीदार चेहरे की तलाश कर रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में परेश धानानी सबसे आगे चल रहे हैं। और गुजरात के बाद अगली बड़ी खबर केरल से, जहां केरल के तिरुवनंतपुरम में कोवलम उदय समुद्र में वॉइस डॉक्टर्स के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे और उदय समुद्र में वॉइस डॉक्टर्स के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में देश भर से और विदेशों के 400 से अधिक वॉइस डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। अगली खबर उड़ीसा से है, जहां भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य स्तरीय वार्षिक कृषि सम्मेलन कृषि ओडिशा 2023 का उद्घाटन किया और इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए सीएम पटनायक ने कृषि मशीनीकरण और फसल विविधीकरण पर जोर दिया और किसानों को अधिक आर्थिक फसल उगाने के लिए नई तकनीक के उपयोग की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक विकास का आधार है, कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी बहुत आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र और किसानों का विकास मेरी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कालिया योजना से किसानों को सुरक्षा मिलने की बात कहते हुए कहा कि कृषि मशीनीकरण पर जोर देकर फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ओडिशा कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। और ओडिशा के बाद अब अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां आज सुबह कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में ये भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राष्ट्रीय रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई गई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 5:01 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और हालांकि इस दौरान जान माल के हानि की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 13 फरवरी को भी सिक्किम राज्य में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 4.3 बताई गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति की। जी हाँ, भारत और जापान की सेनाएं आज से 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास करेंगी। दोनों देशों ने इस संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास को धर्म गार्जन नाम दिया है। ये जापान के शिगा प्रांत कैंप इमाजू में आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने अनुभव साझा करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये आज से 2 मार्च तक चलेगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास का ये 4था संस्करण है। इसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेंगे।
और अब हम बात करने जा रहे हैं हर छोटी से बड़ी चीजों के सही समय पर आप तक ट्रेनों के जरिए पहुंचने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्सल ट्रेनों की। भारतीय रेल इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के सहारे छोटे कार्गो सेक्टर में भी एंट्री कर रहा है। इस सर्विस के सहारे भारतीय रेलवे डाक विभाग के साथ मिलकर फर्स्ट माइल्स पिकअप से लेकर लास्ट माइल्स डिलीवरी पर काम करेगी। इसी के तहत दिल्ली के ओखला से पहली रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस की शुरुआत की गई। दिल्ली से पहली कार्गो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली GRM ने हरी झंडी दिखा कर की। और अब खबरों में रुख करते हैं उत्तराखंड का। राजधानी देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े 52 से अधिक मामले आए। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र, जोशीमठ पर्यटन विकास और परिवहन समेत कई फैसलों पर मोहर लगी। साथ ही स्टार्टअप नीति 2023 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म समिति भी गठित की गई है और पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में स्कूली बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा। और चलिए बात करते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां दूसरी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। सुक्खू ने कहा कि इस बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी और इसी दौरान हिमाचल प्रदेश का बजट भी पास किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की गाइडलाइन को भी मंजूरी दी गई है। अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब सरकार के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने राज महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को फिर से बहाल कर दिया। बता दें कि राज महिला कमीशन के चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को पंजाब सरकार की तरफ से उनके पद से हटा दिया था, लेकिन कल कोर्ट ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मनीषा गुलाटी ने कहा कि कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मैं सभी का सम्मान करती हूँ और अपने दायरे में रहकर ही बात करती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले कुछ राजनीति हुई जिसके तहत मुझे शिकार होना पड़ा। और अगली खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां लोहारू में एक जली हुई बलेरो में दो कंकाल मिले। इन दोनों युवकों के अपहरण का मुकदमा परिजनों ने भरतपुर थाने में दर्ज कराया था। दोनों युवक के शव मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है और परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया है। मामले की जांच में पुलिस FSL और अन्य टीमें जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार एक युवक पर गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, वहीं दूसरे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों युवकों का अपहरण कर हरियाणा के लोहारू में जिंदा जला दिया गया है। और अब बात करते हैं झारखंड के रांची की, जहां बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पांकी की घटना पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से वोट बैंक के लिए राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में धकेलने की कोशिश कर रही है। सुनियोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को संरक्षण मिल रहा है जो प्रदेश में सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती खड़ी करते हैं। ऐसी घटना राज्य के विकास के लिए सही नहीं है। और अब जल्दी से मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। वहां के रायसेन से अहम खबर है, जहां बदहाल स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की मनमानी से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। दरअसल सरकारी अस्पताल की एक डॉक्टर महिला मरीज को मेडिकल स्टोर पर रोक कर देख रही है और साथ ही सरकारी अस्पताल को अच्छा न बताकर निजी अस्पताल भेजने पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के नाम से प्राइवेट अस्पताल को लाभ पहुंचाने का ये धंधा अस्पताल के जिम्मेदार अफसर और डॉक्टर्स की शह पर चल रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर हाल ही के दिनों में बस्तर में बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसकी जांच प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से हो रही है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। डीजीपी ने NIA को पत्र लिखा है और साथ ही सीएम बघेल ने PM आवास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनगणना अभी हुई नहीं तो किस आधार पर कह रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 सीटों पर कुल 81% मतदान हुआ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और CPIM में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। और अब त्रिपुरा के बाद बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर चेन्नई में झारखंड के राज्यपाल CP राधा कृष्णन के लिए
सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोयम्बटूर से पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल हैं। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में रमेश बैंस का स्थान लिया है। राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सीपीआर के नाम से मशहूर राधाकृष्णन 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान केरल बीजेपी के प्रभारी रहे थे। चलिए कर्नाटक के बाद अब बात होगी आंध्र प्रदेश के गुंटूर की। यहां पर राज्यसभा सांसद अल्ला रामी रेड्डी ने एमएसएमई क्षेत्र के तहत आंध्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े जारी किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीएम जगन ने जनता से किए अपने वादों को पूरा किया है। पिछले 3 सालों में लोगों को बड़े स्तर पर सरकार ने रोजगार दिए, राज्य में विकास को रफ्तार मिली है। जगन सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले सालों में राज्य में स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के लिए बेहतर काम किया जाए। और बात केरल के तिरुवनंतपुरम की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। दरअसल बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस की छापेमारी का आरोप लगाते हुए नेमल पुलिस थाने तक एक विरोध मार्च आयोजित किया था, जिसके बाद दोनों के बीच में हल्की झड़प देखने को मिली। पुलिस का कहना है कि मंदिर के पास लगाए गए टेंट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने करीब 30 लोगों के खिलाफ टेंट उजाड़ने का मामला दर्ज किया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। चलिए अब रुक करेंगे तेलंगाना की ओर, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 2 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है। पंजाब सरकार राज्य में गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है। दौरे के पहले दिन सिद्धिपेट जिले का दौरा करते हुए सीएम मान ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में कोंडाम चम्मा सागर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या दुर्गापुर पहुंचे। दुर्गापुर में आयोजित क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि जयसूर्या ने शिरकत की, और इस दौरान जयसूर्या की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सनत जयसूर्या ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद कहा कि मुझे यहां पर आकर और ये आकर टॉप यहां पर आकर काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, और यहां आमंत्रित करने के लिए उन्होंने आयोजकों का भी धन्यवाद जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका टीम काफी अच्छा कर रही है और इसलिए एशिया कप जीतने में सफल रही है। और अब खबर खेल जगत से है। जी हाँ, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच है। 4 मैच की टेस्ट सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराया, लेकिन पहला मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा ने 120 रनों की पारी खेली। जडेजा और अश्विन दोनों ने 1-1 पारी में 5 विकेट चटकाए। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी करना चाहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली टेस्ट मैच में बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा। वहां दूसरा टेस्ट मैच है, लेकिन ताजा अपडेट इस मैच को लेकर यह आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। हालांकि टीम इंडिया के भी हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया पसीना बहा रही है। और इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।